हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू अ वीकेंड व्लॉग नाउ. वेलकम टू रितुज लाइफस्टाइल व्लॉग. तो इस बार हमने सोचा कि कुछ अलग जगह जाते हैं विद इन हैदराबाद, एंड वी रीच्ड बिरला प्लानिटोरियम इन हैदराबाद, विच इज़ एन अमेजिंग एजुकेशनल काइंड ऑफ टूर. नाउ आई वॉन्ट टू रिवाइव दोज डेज वेन इन कॉलेज वी यूज टू एन्जॉय म्यूजियम, सम साइंस, सम फैक्ट्स, सम डाइवर्स, यू नो, डाइवर्स facts and history about India. Now this is divided into three sections. One is Birla Planetarium, Birla Museum and Birla Art and Gallery. Now all three are different. Now right now, as you saw, this entrance is for Birla Art Museum. Now beautifully done, still it is going under renovation because it's a very old property, but each inch of the property is holding the heritage or historical facts of India, which I really love while entering the Birla Museum. Now here is Pihu and Pihu's dad going. Now I know for Pihu it is very 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 early, but I wanted to discover a new place. Now hamesha nahi hota ki ghumna hai, सो जस्ट फॉर लेजर एंड फन. समटाइम्स घूमना ऐसे भी होना चाहिए जो कि थोड़ा एजुकेशनल हो, एंड हम काफ़ी चीज़ें जो हमें पता है बट वी डोंट रिवाइव इट. सो दिस इज़ द बेस्ट चांस वेयर आई रिवाइव्ड ऑल ऑफ माई साइंस. नाउ आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, बट आई एम अ ग्रॉस पर्सन ऑफ साइंस. साइंस इज इन माई ब्लड, आई कैन सी. आई लव साइंस टू अ एक्सटेंट. नाउ मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं किया अबाउट माई क्वालिफिकेशन. आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल रिसर्च. आफ्टर दैट आई डिड माई अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन इन बी एड, विच इज़ टीचिंग, एंड दैट टू द मेन सब्जेक्ट्स वर इंग्लिश एंड साइंस. सो आई एम अ हार्ड कोर पर्सन ऑफ साइंस. सो वेदर इट बी इलेक्ट्रिसिटी या फिर take it as physics, take it as chemistry, take it as bio, I love all of them. Now most of the things jo yahan pe dikh raha hai wo that is regarding the physics and all the theory, and this is a theory which is based on the heat transmission. Now I thought, please, I told my husband to please film me because this is something which excites Pihu to a level because she loves light. I can't say use light kitna pasand. And if you are also a person who loves science and by any chance you are visiting Hyderabad, don't miss this particular Birla Planetarium. I love everything here. The hygiene issue, the science facts. This is the fact based on shadows, which is rainbow. Now, this is a fact. Where should I start with? So, sab kuch ekdam science concept se hai, jo humne, I think, 10th, 12th के प्रैक्टिकल्स में किया था. एवरीथिंग इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. आपको सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे. नाउ दिस इज समथिंग सोलार, सो एज सून एज सोलार पैनल में लाइट आएगा द बॉल विल स्टार्ट मूविंग. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सोलार एनर्जी. नाउ जो मैं बात कर रही थी, अगर मैं सोचती हूँ अगर 10th, 12th या फिर कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में मुझे ऐसा कोई जगह डिस्कवर करने मिलता, देन आई वुड हैव loved it and I would have, you know, understood science more in depth at that time. Now this is pulley, or pulley se kis tarah se you can control the bearings, that is the concept here. Now pulley, I know it is very 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 early for PO to understand all of this, but main chahti hu ki wo in sab cheezon ko, मतलब उसके लिए घूमना मतलब मॉल्स जाना, एग्जीबिशंस जाना. नाउ आई वांट माय चाइल्ड टू अंडरस्टैंड साइंस. शी शुड बी वेरी हैबिचुएटेड टू दीज प्लेसेस. आई नो इट इज़ वेरी अर्ली, बट नाउडेज किड्स इट्स नेवर द अर्ली. सो इट वाज जस्ट अ थॉटफुल थिंग कि घूमने में एजुकेशनल चीज़ें भी रखते हैं. इट इज़ समथिंग माई हस्बैंड सर्टनली टोल्ड, क्या देखे हैदराबाद में, देर इज़ नथिंग मच, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हैदराबाद टू विजिट, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर गाइज. सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सप्लोर प्लेसेज. आई हैव वेंट टू बिरला मंदिर, बट आई हैव नेवर एवर एवर विजिटेड प्लानिटोरियम, विच वॉज अ मेजर मिस, एंड आई थॉट वाई नॉट टू कैरी दिस वीकेंड. सो
प्लीज़ एंजॉय द एंटायर व्लॉग. आपको साइंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो अ साइंस लवर, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. नाउ दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे पीहू को लगा कि बॉल यू ही हवा में उड़ रहा है, बट नो, इट हैज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ विंड एनर्जी. नाउ तेलुगु में एंड इंग्लिश में एवरीथिंग इज़ वेल एक्सप्लेन्ड, हाउ द एयर पुशेज द आउटसाइड ऑफ द बॉल एंड हाउ इट एक्चुअली हैपन्स. सो एवरीथिंग इज साइंस. आई तो फील इवन इफ आई ब्रीद दैट इज साइंस. एंड यस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल एक्चुअली साइंस. नाउ ये एक जो कॉन्सेप्ट था कि हाउ यू टिल्ट योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द वेट हाउ इट ऑटोमेटिकली रोटेट्स. यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल एनर्जी फॉर दिस स्विंग टू रोटेट. तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग माई हस्बैंड एंड पीहो वॉज लाइक, शी अंडरस्टैंड बंगाली बट एवरीथिंग वॉज गोइंग बाउंसर. आई नो आई डोंट एक्सपेक्ट एट दिस अर्ली एज, बट शी एंजॉयड द स्विंग टू अ लेवल एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग माई हस्बैंड एंड ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों को पता है क्या बोले मेरे हस्बैंड, कि वाई आर यू इन टू बैंकिंग, यू शुड बी इन टू टीचिंग और प्रोबेबली लेक्चरशिप. एंड आई नो आई शुड बी एंड आई एम पैशनेट अबाउट इट, बट आजकल क्या होता है ना, आई कॉन्ट टॉक मच. आई हैव इंजॉयड बींग साइलेंट मोर देन टॉकिंग. प्रॉबेबली शादी के बाद बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने. दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्ट विच माई हस्बैंड कैन रिलेट. तो मुझे आजकल कम बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल येट अंडरस्टैंडेबल. सो होता है यार, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है. नाउ दिस इज़ ह्यूमन एनाटॉमी, एवरीथिंग इज़ वेल एक्सप्लेन्ड. 3D में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मैं आपको कुछ देर पहले ही बोल रही थी. इफ़ दिस वुड हैव हैपेंड टू मी ऑन व्हेन आई वाज ऑन 11th 12th, आई वाज इन 11th 12th और कॉलेज, आई वुड हैव अंडरस्टूड ह्यूमन एनाटॉमी वेरी इजीली. बिकॉज 3D में ह्यूमन एनाटॉमी समझना बहुत ईजी हो जाता है. वेदर इट बी हार्ट, वेदर इट बी योर इंटेस्टाइंस, whether it be your brain or your ear, everything is little complicated in humans and is very easy when you get 3D picture. Now ye jo floor hai wo hai first floor. First floor is all about history and our cultures, God and lot many things. You will, trust me, you will enjoy this vlog guys. Don't miss any part of this vlog because I thoroughly enjoyed Birla Planetarium to a different level. Now this is the first floor and uske upar floor dinosaur hai, like entire dinosaur skeleton has been placed and it's such a beautiful place guys, trust me. I met a kid in the lift. These are the levels. I have taken a clear picture of it and we are slowly moving into heritage. Now I met a kid in the lift and he came from Mumbai to visit this particular Birla Planetarium. I'm very 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 proud of my city, which is Hyderabad. Now here we have climbed to the top floor where we have all the information regarding the dinosaurs. Now dinosaurs are an extinct species, they are not yet no more found very easily. I've seen what all places dinosaurs used to exist, out of which Andhra Pradesh was one of the place. This is the egg of the dinosaur and they have clearly explained how many kind of dinosaurs, species of dinosaurs, and this is an actual skeleton of the dinosaur because they have all the information how they have accumulated this. Now beside the dinosaur museum there was aerospace museum which has all the 3D model of the satellites, whether it be Aryabhatta, whether it be Bhaskar, everything was there and I absolutely loved. These are all made of steel which was again gold painted. I hope you did not forget this umbrella which was attached with the TV. Now I again go back when I was in 10th, 11th and 12th. If I would have seen these models 3D wala, my level of excitement for science would have been more. I mean, I loved the way this Birla Planetarium, each and everything was designed. Now this is also a model of a satellite. Now we have all GSLV, PSLV,
and everything model in place. This is a picture of Antarctica, how Antarctica right now is there as per the satellite image. They have made a model of Antarctica. The icebergs are melting and everything has been beautifully written and explained.